तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 पढ़े थे, आज का क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट करते हैं। पहले क्या है शब्दार्थ, इसको हम कॉपी पे फिल करेंगे ओके। तब उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ज्ञान को उसके परेशान मम्मी पापा सबसे पहले कहाँ लेकर गए, उसके मम्मी पापा पहले कहाँ ले गए थे, डॉक्टर के पास लेकर गए, उसको डॉक्टर के पास ले गए थे ना दिखाने के लिए ज्ञान को क्या हो गया है। दूसरा प्रश्न देखिए ख, ज्ञान के मन में समाये भूत को भगाने के लिए साधु ने क्या उपाय बताया, साधु ने उपाय बताया था ना, ये देखिए आंसर। देखो बेटा कल जब तुम दूध देने आओ तो अपनी दोनों हथेलियों को तवे से अच्छी तरह काला कर लेना, खूब काले रास्ते पर जब भूत में मिले तो कहना दूध नहीं दूंगा चाहे कुश्ती लड़ो, और जब कुश्ती लड़े तो वह अपने दोनों हाथों को उसके मुंह पर अच्छी तरह से मल देना, बस फिर भूत कहीं नहीं जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर है ओके। तीसरा देखिए, भूत का भ्रम किससे दूर हुआ, ज्ञान के गांव में कौन आया था, साधु जी ने भ्रम का दूर किया था ना, भूत का भ्रम दूर किया था, और गांव में कौन था, साधु जी गांव में आए थे ना, और ज्ञान को भूत का भ्रम कैसे होने लगा था, भूत राजा की कहानी पढ़ने से होने लगा था। सही गलत का निशान देखिए, ज्ञान के मन में भूत राजा का डर बैठने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। क्या आपको भूतों का विश्वास है, नहीं है विश्वास। ज्ञान के लिए किताब और पत्रिका कौन लाया था, मामा जी लाए थे। भूत राजा कहानी पढ़ने के बाद ज्ञान किस तरह बोलता था, भूत राजा की तरह। खाली स्थान देखिए 1, 2, 3 करके हम फिल कर दिए। ज्ञान जमीन से गड़ गया, शर्म से गड़ गया। ज्ञान के माँ बाप का पुत्र था आज्ञाकारी। एक दिन रात को अचानक ज्ञान उछलने पड़ा, बिस्तर पर उछलने लगा। ज्ञान की तरह शक्ल बनाकर खुश होता था कौन, भूत राजा। ज्ञान के दिमाग में चक्कर लगाने लगा था कौन, भूत। और ये देखिए नील बदलिए, ये आपका होमवर्क, आप कैसे करना से मामा है मामी, चाचा है चाची, ये आपको अपने से फिर करना है। माता है पिताजी, मम्मी है पापा, काका काकी, इसी तरह आपको इसको फिल करना है। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।